हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों ने पार्ट 2 वीडियो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में पढ़ा था और यहाँ पर पार्ट 11 हमने कहा था नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, बट पार्ट 11 वीडियो हम लोग देखने के पहले जो है कुछ सिलेबस रिड्यूस हुआ है, 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है। आप लोग देख रहे होंगे हमारे हाथ में पेपर है, उसमें जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है, कौन सा टॉपिक सीखे हैं, कौन सा सीखना है। बोर्ड के लिए पहले हम अपने दिमाग में बना लें कि हमको क्या पढ़ के अच्छी तैयारी कर लेनी है, ठीक है ना। उसके लिए पहले हम सिलेबस को अच्छे से समझ लेते हैं। अभी लेटेस्ट सिलेबस आया हुआ है तो 30% बोर्ड की तरफ से सिलेबस जो है रिड्यूस कर दिया गया है क्लास 12 के लिए। पहले देखते हैं, बात कर लेते हैं क्लास 12 की। तो ये जो भी कुछ हुआ है कोविड 19 के कारण हुआ है, तो इसमें देखो पहला जो यूनिट है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। पहला यूनिट जो है वो रिलेशन और फंक्शन का था, जो हम लोग समर सीजन में पढ़ चुके हैं। तो उसमें क्या रिड्यूस हुआ है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मीन संयुक्त फलन। क्या घटा हुआ है, संयुक्त फलन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन रिड्यूस हो गया है। हम लोगों को नहीं पढ़ना है वो, अगर पढ़ लिए हो तो ठीक है, अदरवाइज जो उस समय नहीं पढ़ पाए थे तो उनको इस समय नहीं पढ़ना है क्योंकि ये रिड्यूस सिलेबस में चला गया है। और फलन का व्युत्क्रम इट मीन्स इनवर्स ऑफ फंक्शन, क्या इनवर्स ऑफ फंक्शन, फलन का व्युत्क्रम नहीं पढ़ना है हमको। और उसके बाद है बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संक्रियाएं, क्या द्विआधारी, उसी को हम लोग द्विआधारी संक्रियाएं कहते हैं, और उसको भी नहीं पढ़ना है। ये भी सिलेबस रिड्यूस में, तो रिड्यूस सिलेबस है तो जो रिलेशन ऑफ फंक्शन से मैं पहले लिख दे रहा हूं, जो रिलेशन से रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक है उससे रिड्यूस सिलेबस है, ये नोट कर लो, वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इट मीन्स यहां पर या कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन कर सकते हैं, तो हिंदी में क्लास है। तो ये है संयुक्त फलन, क्या संयुक्त फलन, और जो है फलन का व्युत्क्रम, फलन का व्युत्क्रम। और द्विआधारी संक्रिया है, क्या द्विआधारी संक्रियाएं। बच्चों ये सिलेबस जो है रिड्यूस हो चुका है, इट मीन्स ये हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन हो गया, जो हम एफ आर जी और ऐसे नहीं पढ़ते थे, एफ आर डी आर एक्स फाइंड करना या फिर डी आर एफ एक्स फाइंड किए थे, वो सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है, बट ये सिलेबस में नहीं है। और ये फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है, इसको क्या कहेंगे, इनवर्स ऑफ फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन, ये भी नहीं पढ़ना है आपको। और ये है बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन नहीं पढ़ना है आपको। ये फर्स्ट यूनिट से रिड्यूस सिलेबस है। और दूसरे चैप्टर में देखो ये इनवर्स इंटीग्रेटर फंक्शन जो चैप्टर है, तो हम लोगों ने पार्ट 10 वीडियो पढ़ा हुआ है, टोटल 10 पार्ट में वीडियो को पढ़ा हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इट मीन्स प्रत्यय की प्रवृत्ति फलन से क्या रिड्यूस हुआ है।
जानते हैं पृथ्वी और शुक्र की फलों के आलेख इनमें मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है वो रिड्यूस हो चुका है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखो बच्चों हम लोगों ने कई प्रॉपर्टीज पढ़ी है वो रिड्यूस में चली गई है रिड्यूस सिलेबस में, इट मींस वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। नॉलेज के लिए तो इम्पोर्टेंट है बट हमको बोर्ड एग्जाम भी देखना है तो बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग वो आपके पेपर में नहीं आएगा। ये बातें क्लियर हो गई होगी कि सिलेबस क्या रिड्यूस हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये दोनों टॉपिक पढ़ गए हैं। प्रॉपर्टीज तो हट गई है और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हट गया है। तो बच्चों अभी तक ये चल रहा होगा क्या घटा क्या नहीं, तो ये समझ लेते हैं ये दोनों टॉपिक हटे हुए हैं और इसमें है क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में है क्या जो हमको पढ़ना है। देखो मैंने पेपर लिया है सिलेबस का हाथ में, अभी मैं बता रहा हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में डिफिनेशन है इट मींस सब डिफिनेशन और रेंज इट मींस रेंज प्रांत और मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज और डोमेन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के रेंज क्या है, डोमेन क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो ये सब सिलेबस बस इतना ही हमको इसमें पढ़ना है। तो जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल पढ़ा सर वो रिड्यूस सिलेबस में चला गया, एक तरह से टाइम तो गया है इसमें, वेस्ट गया टाइम, लेकिन नॉलेज वेस्ट नहीं जाता, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है कि आगे तो आएगा ही ना, 12th पास आउट होने के बाद वो सिलेबस तो काम करेगा ही ना, कोई ना कोई कंपटीशन एग्जाम दोगे तो वहां पर वो उसकी जरूरत पड़ेगी। चलो देखते हैं, तो हमको नॉर्मल चीजें बची हुई इसमें डिफिनेशन रेंज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और प्रिंसिपल वैल्यू, इसमें जो भी सबसे कह सकते हैं सबसे लेंथी टॉपिक बनेगा वो होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वही सबसे लेंथी टॉपिक होगा, बाकी मुझसे छोटी ही टॉपिक है। तो इसलिए हम लोग जो है पार्ट 11 वीडियो इसका नहीं करेंगे, कंटिन्यू नहीं करेंगे और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, क्योंकि जो चीजें हैं सिलेबस ये तो रिड्यूस सिलेबस है, ये रिड्यूस सिलेबस है, मैं जान चुकी रहा हूं कटा हुआ सिलेबस है रिड्यूस सिलेबस। ऐसे ही देख लो बच्चों क्या है ये पेपर देख लो, मैंने यहाँ ये पेपर लिया हुआ, ये रिड्यूस सिलेबस है आपका, ये ध्यान से देखो ये जो है सिलेबस बोर्ड में नहीं है, इस बार नहीं आएगा ये सब पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अभी हमने दो चैप्टर किया है इसलिए हमने दो चैप्टर का जो रिड्यूस सिलेबस है उसी पर हमने डिस्कशन किया है, आगे क्या है क्या नहीं वो हर वीडियो में बताते हुए चलेंगे जब वो टॉपिक शुरू करेंगे, और जो इस वीडियो जो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है वो भी देख लो, ये हमको पढ़ना हो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में ये जो टॉपिक दिख रहे हैं और रिलेशन ऑफ फंक्शन बिटवीन संबंध और फलन में, यहाँ देखो यहाँ जो है जो ये दिख रहा है यही हमको टॉपिक पढ़ना है, ठीक है ना। ठीक, तो इसके रिगार्डिंग ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और वो चैप्टर है मैट्रिसेस, क्या है चैप्टर नंबर 3 और उसका नाम है मैट्रिसेस, काफी इंटरेस्टिंग।
इसको हम लोग समझते हैं क्या है, सिलेबस को समझ में आ ही गया होगा क्या रिजल्ट हुआ है। ठीक है ना बच्चों, कि चलो सिलेबस रिड्यूस हम लोगों ने नोट कर दिया है, प्रॉपर्टीज नहीं है, ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो इनवर्स सिनेमेटिकल में कुछ बचा ही नहीं। नॉर्मल चीजें प्रिंसिपल वैल्यू रेंज और डोमेन, यही सारी चीजें बची हुई है इस बार के बोर्ड के एग्जाम के लिए। और इनवर्स सिनेमेटिकल फंक्शन में जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन था वो, और जो है ये इनवर्स ऑफ फंक्शन रिड्यूस हो गया है, और बाइनरी ऑपरेशन एक चैप्टर बनाते था जो लोग पब्लिकेशन बुक पढ़ते थे वो भी नहीं है बाइनरी ऑपरेशन। तो नॉर्मल चीजें रह गई है, वो सिलेबस आप लोगों ने देख लिया, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। और चैप्टर नंबर 3 है इसका पार्ट फर्स्ट होगा, ये चैप्टर 3, और ये चैप्टर का नाम होगा मैट्रिसेस। चैप्टर का नाम क्या है, मैट्रिसेस, क्या ई है ये मैट्रिसेस, और ये पार्ट फर्स्ट होगा इस चैप्टर का, पार्ट फर्स्ट वीडियो होगा। हम लोग समझ लेते हैं व्हाट इज मैट्रिसेस, मैट्रिसेस है क्या, पहले हम इसकी डिफिनेशन समझते हैं। देखो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, डाटा का जो होता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, कुछ चीजें रो में होती हैं और कुछ कॉलम में होती है, ऐसे होगा तो कॉलम, ऐसे होगा तो रो, हॉरिजॉन्टल होगा तो वो रो हो जाएगा, वर्टिकली होगा ऊर्ध्वाधर होगा तो क्या होगा वो होगा कॉलम। ठीक है, रो को हम लोग हिंदी में पंक्त कहेंगे और कॉलम को स्तंभ, कॉलम को क्या कहेंगे स्तंभ कहेंगे, और रो को हम लोग पंक्ति कहेंगे। तो हम लोग आज नेट अब शुरू करते हैं मैट्रिसेस और डिफिनेशन। देखो अ सेट ऑफ यंग इंक्लूजन नंबर्स, मतलब यंग इंक्लूजन नंबर्स वी रियल आर इमेजिनरी, वो दोनों हो सकते हैं, रियल और इमेजिनरी तो पढ़े ही होंगे आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में, रियल आर इमेजिनरी आर इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर
ये देखो ऐसे ही होगा और रो होगा, इट मीन्स रो हम लोग किस क्या कहेंगे हिंदी में, रो पंख या पंख, और कॉलम होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे स्तंभ। जो ऐसे होगा वो क्या होगा स्तंभ, और जो ऐसे होगा वो रो होगा उसको हम पंख कहेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई ना। देखो ये एलिमेंट है, इंटिटीज बोले जाते हैं ना, अवयव क्या है उस मैट्रिक्स के अवयव है। मैट्रिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, अव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं, अव्यूह कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, ए वन वन ए वन टू, देखो ये पहला, ये क्या शुरू कर रहा है पहला ना पार्ट को, इसी देखो हमने पहले वन यहाँ वन यहाँ भी वन ही होगा, तीसरा ऐसे तीसरा कॉलम होगा, ऐसे डॉट 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 क्या होगा ये या नहीं, कितने एलिमेंट है या नहीं है। ऐसे दूसरा क्या हो जाएगा, देखो टू वन वन टू वन दूसरा रो है, दूसरा कॉलम है, ये देखो दूसरा रो तो है यहाँ पर, दूसरा रो नहीं होगा ऐसे, दूसरा रो नहीं होगा बट कॉलम तो ऐसे बढ़ता जाएगा। ये देखो फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ठीक है, और ऐसे ही है टू फोर डॉट 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 टू यन हो गए, कितने कॉलम है यन कॉलम, ये कॉलम है नीचे, ठीक है। यहाँ पर देखो थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री डॉट 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 थ्री यन, ऐसे ही सपोज कर लो ये यन रो होगा, यह मतलब फाइनाइट नंबर होगा और यह भी फाइनाइट होगा, मतलब निश्चित होते ऐसी संख्या होगी, जैसे चार बाई तीन फोर बाई थ्री का आर्डर है, फाइव बाई सेवन का आर्डर है, ऐसे टू बाई टू का आर्डर है, वन बाई टू का आर्डर है, थ्री बाई थ्री का आर्डर है, यहाँ पर देखो आर्डर अभी समझ लेते हैं ना, क्या यम वन एम एन टू एम एन थ्री डॉट डॉट ए एन, कितने कॉलम की यनवा कॉलम है, मतलब यनवा स्तंभ है, और ये यनवा रो है पंक्ति है। कितने देखो, फर्स्ट रो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति, इसके बाद ऐसे ऐसे यम पंक्ति रह गए, यम रोज रहे हैं, रोज ना। और ये देखो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम, ऐसे ही यंग कॉलम रहेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे यहाँ लिखेंगे यंग क्रॉस है, मतलब यंग बाई यंग, किस टाइप का मैट्रिक्स है, यंग बाई यंग टाइप का है। यंग क्या शो करता है, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ रोज, और यंग क्या शो करता है, नंबर ऑफ कॉलम, यम क्या शो करता है रोज मतलब पंक्ति, और यम कॉलम, ये रो को रिप्रेजेंट करता है इसको, ये कॉलम को, रो मतलब आर सी मतलब कॉलम यूज होगा ना, ये लेटर जानते रहना, जब आर लिखा जाएगा समझ लेना रो की बात चल रही है, और सी लिखा जाएगा तो कलम कॉलम की बात चल रही है, मतलब स्तंभ की बात चल रही है। बच्चों इतनी बात समझ में आ गई ना, ये कितने बाय कितने का है, यम बाई यन है ना। जैसे देखो अभी और समझ लेते हैं कैसे, ये देखो जैसे ओवर टू वन फोर है, टू जीरो थ्री है, ये ऐसा मैट्रिक्स है, कितने रो है इसमें, देखो एक रो वन बट कॉलम काउंट करो वन टू थ्री, कितने रो है टू कॉलम थ्री, टू बाई थ्री कुल एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू इज अ सिक्स, सिक्स ही एलिमेंट है ना, वैसे ही देखो यहाँ पर मैंने पहले लिख दिया यम इन टू यम, इट मीन्स अगर ऐसे जो है यन एलिमेंट्स हैं और ऐसे जो है यम एलिमेंट्स हैं, तो यम इन टू यम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे मैट्रिसेस के, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे यम इन टू यम, तो इसीलिए मैंने पहले लिखा सेट ऑफ यम इन टू यम नंबर्स रियल आर इमेजिनरी कोई भी हो सकते हैं, अरे इन फॉर्म ऑफ ब्रैकेट वर अरे एम एस रोज एंड एम एस कॉलम इज कॉल्ड एम बाई ए मैट्रिक्स।
एम आई एन टाइप मैट्रिक्स, ठीक। तो इसकी डिवीजन क्या हो गई, यम इंटू यन, तरह की आयता का, रेक्टेंगुलर मतलब आयता का, जो भी आयताकार बॉक्स में होंगे नंबर का जो संग्रह होगा उसमें यम क्या होंगे, पंक्ति होंगे, और यन क्या होंगे, स्तंभ होंगे। इस तरह से जो भी अरेंजमेंट होगा उसको हम यम क्रॉस यन या फिर यम बाई यन प्रकार का आव्यूह कहेंगे। बात समझ में आ गई ना बच्चों, ठीक है। ये हो गया, डिफिनेशन हो गया, तो रो और कॉलम भी समझ में आ गया होगा। ये सिंपल है, तो ऐसे मत बना देना, ऐसे बनाओगे तो सिंपल मैट्रिक्स का नहीं होगा, ऐसे होना चाहिए। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऐसे होता है, रेक्टेंगुलर एरे है ना, ये तो आयताकार बॉक्स होगा, ठीक है, वो ओपन बॉक्स हो जाता है। उसको हम लोग आगे जानेंगे, जो एलसीडी बनेगी उसको पिछले क्लास में हम लोग मॉडुलस पढ़ते थे, और यहाँ हम लोग जब और यूज होगा ऐसे डाटा के लिए तो वहाँ डिटरमिनेंट यूज कर लेंगे, वो बताया जाएगा। अभी पहले हम लोग मैट्रिक्स समझ लेते हैं, इसके बाद का जो टॉपिक था वो डिटरमिनेंट था, मतलब सारणिक, उसको कहेंगे, कहेंगे क्या कहेंगे, सारणिक कहेंगे। तो चलो देखते हैं इसके आगे डिफिनेशन को, क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। क्या है बच्चों, देखो जैसे मैट्रिक्स जो फॉर्म था, जो भी हमने फॉर्म निकाला मैट्रिक्स का, क्या था, जैसे ये सारणिक में मैं लिख रहा हूं, A11 A12 A13 डॉट 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 A1 A21 A22 A23 डॉट डॉट A2 या ऐसे ही A1 A2 A3 A1 ऐसे जो अरेंजमेंट है, ये यहाँ भी इस पर डॉट डॉट है, ये भी डॉट डॉट है, ऐसे भी डॉट डॉट है, तो यहाँ एम आई एन टाइप वाली जो मैट्रिक्स हो गया है। इसमें हम समझते हैं जो ये मैट्रिक्स ए है ना, तो मैट्रिक्स ए को जो हम रिप्रेजेंटेशन है इन कंपाइल, इन कंपाइल एवं मैट्रिक्स रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट बाय दिस, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए मैट्रिक्स फॉर्म में आई जे, क्या मैट्रिक्स सिंबल है, विदाउट मैट्रिक्स लिखोगे, अगर ऐसे लिखते हो मतलब ए आई जे, ये एलिमेंट ऑफ सर्कल नहीं है, केवल इसको समझो, ये एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है, मतलब आव्यूह का अवयव है, ठीक है ना, ऐसे ये अवयव है। बट अगर सिंबल में आ गया तो मैट्रिक्स को डिटरमाइन करता है, मैट्रिक्स को बताता है। इस मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इस पर बेस्ड, जैसे ये आई जो होगा, आई यहाँ पर आई रोज होगा, ठीक है, और ये जेड कॉलम होगा, चलाओ, ये आई रोज और जेड कॉलम हो गया। तो बच्चों ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा, अगर ऐसे लिखा गया तो मैट्रिसेस है, और अगर ओनली ए ए आई जे लिखा गया तो वो एलिमेंट है, अवयव है, और ये मैट्रिक्स है। यहाँ पर आई जो है रोज को रिप्रेजेंट करता है, और जेड जो है कॉलम को। जैसे सपोज कर लो लिखा गया है ए आई जे इक्वल टू यहाँ पर आई प्लस जे, ऐसे लिख दिया गया आई प्लस ए। तो यहाँ पर अगर कंस्ट्रक्ट करना हो, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना हो, ऐसे 2x2 का कर लिया जाए या 3x3 का, हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पर जी क्या शो करता है 2x2, 2x2 का पहले मैट्रिक्स बना लेंगे, A11 A12 और A21 और A22।